इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में काफी कम वोल्टेज होता है और आपका पावर प्लांट से घर काफी 120 किलोमीटर की दूरी में है और इतने कम वोल्टेज को इतनी दूर तक ट्रेवल नहीं करवा सकते, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। यहाँ पर पावर प्लांट से 120 किलोमीटर की दूरी में 5 वोल्टेज आ रहे हैं, जैसे ही आप इस पे लोड लगाएंगे तो बिल्कुल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते इतने कम वोल्टेज में तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पर इंजीनियर्स ने दिमाग कैसे लगाया, यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज अप कैसे करें, तो यहाँ पे एक जुगाड़ है, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना, यानी कि वोल्टेज हाई करने वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस हाई वोल्टेज को 120 किलोमीटर की दूरी पर टेस्ट करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चला सकते अपने घर का लोड, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज है। अब इस हाई वोल्टेज को भी स्टेप डाउन करना पड़ता है, जैसे कि आपके घर के बाहर 11 kV वोल्टेज की लाइन होती है, उसको 220 वोल्ट करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए स्टेप डाउन हो गया, यहाँ पर स्टेप डाउन वोल्टेज बने पावर प्लांट में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से किया, 120 किलोमीटर की दूरी में गए और यहाँ पर स्टेप डाउन किया और यहाँ से हमारे घर का लोड बढ़ी।